आखिर हम निवास प्रमाण पत्र किस तरीके से बनवा सकते हैं? ये दिक्कत तब आती है जब किसी लड़की की शादी होती है, वो ससुराल में जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर उसका जो निवास प्रमाण पत्र है वो बनवाना होता है, क्योंकि उसी के ही जरिए जो कि सारे डॉक्यूमेंट में बदलाव किए जा सकते हैं, ठीक है। तो वो किस तरीके से बनवाना होता है, चलिए आज की इस वीडियो में हम सीख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक यहाँ पर निवास बनवाना होगा, और निवास बनवाने के लिए आपको सत्यापन की वहाँ पर ज़रूरत होती है, जो कि सत्यापन आप यहाँ पर अपने प्रधान के जरिए करवा सकते हैं या फिर आप विधायक के जरिए करवा सकते हैं। अब विधायक और प्रधान यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे इनसे एक एप्लीकेशन लिखवा सकते हैं कि इनकी यहाँ पर शादी हो चुकी है और इतना यहाँ पर समय हो चुका है, वो यहाँ पर लिख कर देंगे। और इसी के साथ में आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर वहाँ पर आप निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करवा सकते हैं। ये आपके तहसील से बनता है, जो कि नेकपाल के पास जाएगा, वो इस चीज़ के लिए चेक करेगा कि हाँ इनकी शादी यहाँ पर हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। तो इनकी शादी हो चुकी है तो कितना समय यहाँ पर हो चुका है, वो वहाँ पर प्रधान से भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। या आप सबसे पहले तो ये कर दीजिएगा कि आप प्रधान से कह दीजिएगा, जो भी लेखपाल है आप उनसे कह दीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ में वो एक यहाँ पर एप्लीकेशन लिख के देंगे, वो एप्लीकेशन लगाकर और आपको यहाँ पर ऑनलाइन करवा देना है निवास प्रमाण पत्र के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर पैसे कितने खर्चे आ जाते हैं, जैसे कि जो भी निवास प्रमाण पत्र की फ़ीस होगी वो आप जनसेवा केंद्र वाले के लिए दे देंगे, ठीक है। हालांकि इसमें कोई भी खर्चा नहीं होता है, हालांकि कुछ लोग होते हैं जो कि आपसे पैसे ले लेते हैं, ठीक है। फिलहाल इसमें पैसे और कोई भी खर्चा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से तो आप यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अब आखिर निवास प्रमाण पत्र के लिए एप्लीकेशन किस तरीके से लिखवाना है, या फिर आप यहाँ पर फॉर्म भी ले सकते हैं। फॉर्म किस तरीके का होगा, जो कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो इस तरीके का कुछ फॉर्म होगा जो कि आपको इसमें सारी डिटेल्स डालनी होगी, जैसे कि अपना मोबाइल नंबर, डेट और किसका यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र बनना है, और इसी के साथ में पति या फिर पत्नी का नाम, ठीक है, या फिर पुत्री पुत्री का भी आप यहाँ पर नाम डाल सकते हैं। इसी के साथ में आपको यहाँ पर एड्रेस वगैरह सब कुछ जो भी इसमें डिटेल्स मांगी गई है वो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देना है। ग्रामीण में रहते हैं तो वहाँ पर प्रधान होते हैं, तो आप उनकी मोहर यहाँ पर लगवा लेंगे, और उसके साथ में आपको एक फ़ोटो भी चिपकाना होता है, जो कि आपको इसमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र जैसे ही आपका बन के 10 से 15 दिन में आपके पास आ जाएगा, उसके बाद में जैसे कि आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड, जो कि इनमें आप बदलाव करवा सकते हैं। इसी के साथ में आप वोटर आईडी भी बनवा सकते हैं। वोटर आईडी बनवाने के लिए जो आपकी उम्र है वो 18 साल होना चाहिए इंडिया में, ठीक है। दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, जो कि प्रधान के स्तर से। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई सवाल है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।